आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मंच पर अनेक महापुरुषों का दर्शन हो रहा है और एक बालक यहाँ आया है, मंच पर ही बैठा है, हमारे स्वर्गीय श्रीनिवास पाठक जी, जो कि बड़ा प्रेम श्री ठाकुर रमण बिहारी जी से और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से उनका बड़ा अनन्य प्रेम था और उनका ही पौत्र यहाँ प्रातःकाल आया था। अभी विद्याध्ययन है, अध्ययन में ही लगे हुए हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी महाराज जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में दो शब्द कहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में सादर साष्टांग नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर साष्टांग प्रणति। मंच पर उपस्थित कुशल पूर्वक संचालन कर रहे जी स्वामी जी बैठे रहो तो बोलते रहो, एवं अभी अभी मंच को सुशोभित करने आए परम पूज्य स्वामी जी गीता मुनीषि जी महाराज के चरणों में प्रणाम, एवं सभी श्रोता सज्जन वंदनीय मातृशक्ति, प्रभु कृपा से आज इस छोटे से बालक को इस दिव्य मंच पर उपस्थित होकर अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा न कहकर दो चार मिनट कुछ बातें भगवान नाम की। प्रातःकालीन सभा में हम और आप परमात्मा विषयक चिंतन श्रवण कर रहे थे, ब्रह्म विषयक चिंतन श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य पूज्य भाई श्री जी के श्रीमुख से हमने सुना कि ब्रह्म को परमात्मा कहा जाए, भगवान कहा जाए या ब्रह्म कहा जाए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति तत्वतः। स्वरूपतः वास्तव में उनका स्वरूप एक ही है, अलग अलग चश्मे से उनको देखा गया, ये महाराज जी ने कहा था। हमारे यहाँ की दर्शन परंपरा में यदि हम जाएं तो पूछा जाता है कि ब्रह्म कौन है, तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही सबसे पहले ब्रह्म हूं। कहा आप कौन हैं, ले तत्वमसि, तुम भी वही हो। और ये सब कुछ क्या है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो हमको ये अलग अलग प्रकार से दृश्यमान जो पूरा संसार है कैसे दिख रहा है, कहा यही तो माया है। अब एक संशय, एक जिज्ञासा ये उत्पन्न हो रही है कि माया क्या है। ब्रह्म की बात तो हम बाद में करेंगे, ब्रह्म को तो हम बाद में समझेंगे, पहले माया को समझें। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी माया को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से समझा रहे हैं, किसके माध्यम से, स्वयं भगवान श्री राम के माध्यम से। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। वन का समय है, लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न पूछे, समय अधिक नहीं है इसलिए उस बिंदु को रख करके अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि कहु ज्ञान विराग अरु माया, और कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु मुझे ज्ञान समझाइए, मुझे वैराग्य समझाइए और माया समझाइए। जब भगवान श्री राम उत्तर दे रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने तो पहले ज्ञान पूछा, फिर वैराग्य पूछा, फिर माया पूछी, लेकिन भगवान जब उत्तर दे रहे हैं तो सबसे पहले माया के बारे में बता रहे हैं। क्यों, मानो ये समझाना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण मैंने यदि तुमको पहले ज्ञान बता दिया
मैंने यदि तुमको पहले वैराग्य समझा दिया और बीच में कहीं माया देवी प्रकट हो गई तो तुम्हारा सारा ज्ञान फिर से विस्मृत हो जाएगा। इसलिए पहले माया क्या है इसको समझ लो, माया समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। उन्होंने कहा दो प्रकार की माया है, विद्या अपर अविद्या दो। बोले ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से गुण की माया है, नहीं बस दो समझ लो, दो प्रकार की माया है, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या, और इनके फल समझ लो। यदि विद्या माया के पीछे तुम चलते हो, पीछे तो चलना पड़ेगा, माया से छुटकारा मिल जाए ऐसा लोग कहते हैं यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और मोर तोड़ते माया जेही वश कीन्हे जीव निकाया। ये जितना भी मैं मेरा सब कुछ माया है, लेकिन इस माया से तुम छुटकारा तो पा नहीं सकते, जो कुछ देख रहे हो सब माया है। पर तुम्हें समझना क्या है कि बस जिस प्रकार लक्ष्मण जी विद्या माया के पीछे चल रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रजभूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो देखते रहिए ब्रजभूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज YouTube पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।